अच्छे लोगों को दुनिया खूबसूरत दिखती है, पर जो गुनाहों के खिलाफ लड़ते हैं उनकी दुनिया थोड़ी अलग है। इस दुनिया में तीन मार्केट्स हैं, ओपन मार्केट, डीप मार्केट, डार्क मार्केट। ओपन मार्केट, इसके बारे में तो सबको पता है। डीप मार्केट, अगर कोशिश करेंगे तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है। डार्क मार्केट, ये बहुत ही रहस्यमय है, इसके बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। देश की मौजूदा इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को यही मार्केट चलाती है। पावर ब्रोकर, किंग मेकर्स एंड बिग बिजनेसमैन इस मार्केट में हर वक्त एक्टिव रहते हैं। वेपन इंडस्ट्रीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स, ये इनका मेजर इनकम सोर्स है। ये गोल्डन हॉर्स ड्रग कार्टल पूरी एशियन कंट्रीज का बैकबोन है, कंट्रोल्ड बाय जोसेफ एंथनी। इंडिया में दो सिंडिकेट हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी को हैंडल करता है स्कॉर्पियन सिंडिकेट, इसे रतन लाल कंट्रोल करता है। ये सदर्न टेरिटरी है, कंट्रोल बाय जयदेव गायकवाड़। इस सिंडिकेट का बैकबोन है प्रताप हर्ष, अ मेजर पावर ब्रोकर। ये सांगवी बार आइलैंड है, साउथ का मेजर ड्रग लैंड। इसको चला रहा है प्रताप हर्ष का बेटा बाली हर्ष। अजीब बात यह है, यहां पर बहुत सारे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स की समाधि है। सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है एनसीबी ऑफिसर जगन ने। एक इंसान ने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर की है, मतलब ही इज रियली ग्रेट सर। आई थिंक दिस इज इनफ टू मूव फॉरवर्ड सर, गेट रेडी। करता हूं कि जो मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए। नमस्ते सर। लगता है तुम्हें आए काफी टाइम। इट्स ऑलराइट सर। देश को चलाने वाले राजनेता हैं ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी है कॉर्पोरेट बिजनेसमैन। नमस्ते मिस्टर प्रताप हर्ष। मेरे कॉलेज डेज से आई एम अगेंस्ट ड्रग्स, इट्स अ डेविल्स थिंग। लेकिन जब से हमने पार्टी शुरू की है इसके खिलाफ हम लड़ते ही जा रहे हैं और हासिल कुछ नहीं हुआ। चार महीने में हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे इसका मुझे डाउट है। ऐसे में आप मुझसे परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अप्रूव करने को कहा है। गॉट इट सर, यू कैरी ऑन। थैंक यू सर। सर मिस्टर आचार्य, इट्स अ वर्ल्ड माफिया। उनकी बात करने का तरीका ऐसा था जैसे कि वो वार्निंग दे रहे हो। तीन महीने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। इस सर्विस को ज्वाइन किए हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे। आपका मतलब है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे सर? प्रवीण, कई बार प्लानिंग करने के बाद भी वो अचीव नहीं होता जो बिना प्लानिंग के अचीव हो सकता है। Who gave you the deal to kill my brother? I don't know, sir. I hate lies. I hate crimes. I am a bad criminal. Anthony. Joseph Anthony. Please stop killing me. We've been preserving these bodies for the last 10 months. It'll be difficult for us to preserve them for more days. अगर इन बॉडीज को दफन किया तो मेरे इमोशंस भी दफन हो जाएंगे, पेन खत्म हो जाएगा। वो यहाँ चुभनी चाहिए। सर, इनफॉर्मर्स आ गए हैं। प्रिजर्व इट। यस सर। तुम्हारे भाइयों को मारने की सुपारी देने वाला कोई और नहीं है, योर ओल्ड फ्रेंड जयदेव गायकवाड़ सन विजय गायकवाड़। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, अपने ब्रदर्स को इंडिया में भेजना। तुमने बात को सीरियसली नहीं लिया। वी आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस, वी आर कैंसलिंग द डील। लगता है बेटे के लिए इमोशन का पलड़ा दोस्ती के अफेक्शन से कुछ ज्यादा भारी हो गया है। शैल वी किल हिम सर? नो, वो एक बार में नहीं मरना चाहिए, उसे हर पल मरना होगा। मैं चाहता हूँ उसकी हार्ट बीट 72 टाइम्स से 144 टाइम्स पहुंच जाए।
इस इंसिडेंट से इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कोलैप्स हो गया है। उसे एहसास दिलाओ, जिंदा रख के उसके बाप को मार दो। फैमिली की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गन पकड़े 100 लोगों का झुंड नहीं चाहिए, बस एक गन जैसा पावरफुल आदमी चाहिए जो दुश्मन के सामने दीवार भी बने और जो दुश्मन के दिल में बेचैन गोली भी होता रहे। सर, सुबह हमारे बॉस की बेटी शादी अटेंड करने के लिए बैंगलोर गई थी। सुबह 12 बजे वो बैंगलोर पहुंची, 1 बजे उन्होंने शादी अटेंड की, लेकिन 2 बजे से उनका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है सर। 4 घंटे से लगातार हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं सर। एमजी रोड में जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उन्हें देनी पड़ेगी, इस बात की वो डिमांड कर रहे हैं। वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली? एमजी ग्रुप के प्रताप अरस है सर। ये बिजनेस रिलेटेड इशू है, अगर आप लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो प्रेस और मीडिया हमें जीने नहीं देगी सर। बेटी के वेडिंग है सर। नाम बताओ सर। मैं ठीक हूँ स्वामी। एमजी ग्रुप्स प्रताप अरस। मेरे से नहीं होगा सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। बेंगलुरु में जेविंग्स नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी है सर। वहाँ पर एक पावरफुल पर्सन है सर। अगर वो ठान ले तो लाइफ में वो कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। कल सुबह होने से पहले मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए। तेरा बाप जितना बिजनेस से प्यार करता है उतना वो तुझसे भी नहीं करता। इसका मतलब यहाँ से तेरा जिंदा जाना मुश्किल है। इसकी तो क्या हुआ सर? हमारे ऑपोजिट जेविंग्स आ गया सर। हमारी चूड़ा टीम को उतार। ट्रैक हिल। Ah, 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 ah.
मुझे बड़ा रिस्क लग रहा है कैप्टन। रेस में उतरने वाला कौन है? चौकी। छोटे मोटे रेस में वो नहीं उतरते, और अगर उतर गए तो वो होता है वन मैन शो। डर नहीं लगता है तुझे? खामोश क्यों बैठा है? कौन है तू? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ए, जाके पकड़ उसे। वो मिक्की माउस नहीं कि तुम पकड़ लोगे, वो पावर हाउस है। सुनते ही जो बोलता है नहीं झुकूंगा वो भी झुकता है। कंपीट करने से पहले कंपेटिटर के बारे में कंप्लीटली जान लेना चाहिए। विदाउट परमिशन के घुसपैठियों का बाहर जिंदा वापस जा पाने का आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ने की आदत है। बॉयज, किल हिम। Yeah, get it.
आकर उसके हड्डी को रह जाएगा जिगर में। एडवांटेज मान ले, इसकी कहानी जान ले, इसके आगे तू आएगा नाना बेटा करिए छोड़ दे। स्वामीनाथन है जो आपसे मिलना चाहता है सर, ओवर। क्या बोल रहे हैं? संतोष सर से मिलने की बात कर रहे हैं सर, ओवर। उनको भी उन्हीं से मिलना है क्या? हाँ, भेजो उन्हें। ओ, सारे मेन इन ब्लैक में। ए, संतोष कौन है? आप कौन है बताएंगे? ए, हमें एमजी ग्रुप से भेजा गया है। कहाँ है वो? हाँ हाँ, संतोष सर। क्या हुआ? हमारे बॉस को आपसे मिलना है, चलो चलते हैं। मुझसे कौन मिलना चाहता है? हमारे बॉस। तो फिर यहाँ किसे आना चाहिए? हमारे बॉस को। तो बुलाओ। असली पंच तो सर के डायलॉग में है, इसीलिए बॉस पावर स्टार है। बॉस अब भी औकात पे आया। आपसे एक मिनट के लिए पर्सनली बात करनी है बॉस। इसने तो पैर पकड़ लिया। उन्हें पहली बार देखा होगा, बाकी दुनिया ये बात पहले से जानती है। उठो। मुझ पर दया करके आप कुछ भी करके आ जाइए, नहीं तो 10 लोगों का काम चला जाएगा। ये सब पेट के लिए कर रहा हूँ, प्लीज मान जाइए बॉस। अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले बताना चाहिए था ना। चलो। थैंक यू बॉस। बॉस तो मान गए। उनसे प्यार से बात करने वालों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए तो उन्हें कहते हैं अब। संतोष, आओ बैठ जाओ। रूलिंग पार्टी, लीडिंग कंपनीज, ब्रांड भी खौफ खा जाए, ऐसा वजन है हमारा। इन सबको ब्रेक करके तुमने इसे टच किया है। मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई। मुझे खुद की तारीफ सुनना पसंद नहीं है। लाइफ में तेरी तरह रिस्क लेना मुझे भी बहुत पसंद है। पैसों के लिए कुछ भी करोगे? नहीं, कुछ भी नहीं, सिक्योरिटी दूंगा और जरूरत पड़ने पर जान देकर भी बचाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड प्रॉब्लम में है, उसको 3 महीने की सिक्योरिटी देनी है। 3 करोड़ दूंगा। अपने गेम और ग्राउंड को मैं खुद ही डिसाइड करता हूं सर। ठीक है, कल का ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूंगा, जाकर मिल लेना। डन। By the way, गेम तो मुझे पसंद है, लेकिन डबल गेम पसंद है। इसे मैं बुलेट उतारने के बजाय आपने तो उसे डील देकर भेज दिया। बेटा, पावरफुल इंसान हमारी ऑपोजिट में रहने से बेहतर हमारे साथ रहे। Excuse me!
शंकर माधव आचार्य। संतोष। अगर यही संतोष जिंदगी भर रखना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनो। बोलिए सर। यहाँ से जो कोई भी अंदर जाता है उसको वापस मेरे पास आना ही पड़ता है। मुझे भी राह दिखाइए सर। अगर मेरे असिस्टेंट होते तो ही राह दिखाता। हाँ ठीक है सर। बॉस। सर, यस सर, आ रहा हूँ सर, यस प्लीज। हेलो, मेरे पीछे आओ। आते ही नो डोमिनेशन, कम बैक। सॉरी सर, आफ्टर यू। ऐसा सम्मान देते रहना। फॉलो मी। मे आई कम इन सर? यस। यही है सर। संतोष। हेलो सर। लाइफ में खुद सब कुछ सिलेक्ट करने की आदत है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मुझे सिलेक्ट करने आया है। लुक, टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, आपके हर दिन का प्रोग्राम मुझे एक दिन पहले पता होना चाहिए, सो दैट I can plan the schedule. Second condition, मैं जो कुछ भी करूँगा, जो भी decisions लूँगा, उसमें complete freedom चाहिए. और third, amount according to agreement, every month settlement होना चाहिए. बस इतना ही? Yes sir. I have few conditions as well. Point number one, I expect loyalty. Okay sir. Point number two, मेरे किसी भी काम में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे. तुम्हारा काम मुझे सिर्फ security देना होगा. Sure sir. Point number three. Suddenly, अगर इसने मुझ पे अटैक किया तो what's your reaction? I'll shoot him. अयो! Shoot him. इसमें बुलेट नहीं है सर। मैंने क्या गलती की? Good. You're appointed. Thank you, sir. All right. सर, एक बात और। इन्हें मेरा असिस्टेंट बना दीजिए। Sure. सर, विजय का पूरी तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। गुड। उसके फादर को किसने मारा वो इसी कंफ्यूजन में जी रहा है। व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टेप सर? बिजनेस ब्रेकडाउन। पापा, इस पर माल ज्यादा आ गया है, डबल। ऑल राइट, जस्ट वन मिनट, वन मिनट। हेलो रतन। नमस्ते एंथनी जी। नमस्ते। आपने तो बहुत सारा माल भेज दिया, कमाल हो गया। Thank you so much for the gift. I am getting you one more gift. One more gift? You are free to take over Southern Cotton. Oh God! I was really waiting for this opportunity. All the best. Hey guys, come on, let's go and conquer the South. Yes, Dad. Sir, अगर आपको एक दिन नहीं देखा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। क्यों? सही कहा ना? हाँ सर। और आप जा रहे हैं एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं, पूरे तीन महीने के लिए। अरे कैप्टन, काम इम्पोर्टेंट है, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमारे संत महात्माओं ने कहा। रात दिन मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आते, हमारे पास तो खुद लक्ष्मी आई है, मना करना ठीक नहीं रहेगा। सर, पैसे तो आ जाएंगे, पर उसका क्या फायदा होगा? आप तो बड़े दानवीर इंसान हैं कि आप तो सब लोगों में ही बांट देंगे। सर, ये सब जरूरी है क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए, आप सबका ख्याल रखिए, मैं टच में रहूंगा। यस बाय। ओके, आप लोग आराम से और खुशी से काम करिए एंड स्टे सेफ। कितने बजे फ्लाइट?
वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है। अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी। आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसी है, किसी को कुछ नहीं बता दी, करने के बाद ही पता चलता। ठीक है, डिटेल्स दो। डिटेल ही तो बताया अभी। कोई नाम, फोटो? को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है, ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप। आपको डिटेल चाहिए क्या? खुद ही ढूंढिए। मैं लेकर आ गया। दादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चैन है, ये ऐसे ही दे दूंगा आपको, और नहीं ला पाए तो नहीं ला पाए तो काम छोड़ के चले जाओगे।
स्नोफॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे देखते ही पसंद आ गया। शादी करने की सोच तू मेरे बारे में बता दो। मैनेजर से असिस्टेंट और अब ब्रोकर। सर कंसाइनमेंट डिटेल। जस्ट अ मिनट। ओके सर। हेलो। जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। उनकी मौत कैसे हुई थी? व्यवहारिक संघर्ष में जो घोर तूफान आया था उसमें अपनी जान बचाकर सुइसाइड करके मर गई। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम? बड़े बड़े पंडित और रिश्तेदार लोगों के साथ पूजा। और फिर मिठाई और खाना। छोटी मालकिन की तरफ से खाना। और फिर वृद्धाश्रम। उसके बाद अनाथाश्रम। उसके बाद बार। मिल्क बार। शराब मिलने वाले बार में शराब पिलाने का कार्यक्रम। एंजॉय कीजिए। भगवान मुझे अमीर घर में जन्म देने के बजाय इनके जैसे गरीब घर में जन्म देते तो मैं और भी खुश होती। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? असली खुशी तो गरीबी में ही होती है शंकर। हंस क्यों रहे हो तुम? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, बताओ। ओके, एक मिनट, वहीं आ रहा हूँ। प्लीज होल्ड इट। हाँ यस सर। साल में एक बार खाना खिलाकर, गरीबों को कपड़े देकर, इस दान को देते हुए पोज बनाकर, उसकी सेल्फी लेकर स्टेटस पर डालना लाइफ नहीं होती, बल्कि गरीब कैसे रहते हैं उनकी तकलीफों को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, आप सब गरीबी में खुश हो क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? हमारी बेटी की शादी है, पैसे की प्रॉब्लम है भाई। अरे इसके आपकी दादी पापा मम्मी सब हॉस्पिटल में नहीं है भैया। ठीक है, बैठ जाओ। और आपकी? ऑटो फाइनेंस, घर का भाड़ा, स्कूल फीस, फुल प्रॉब्लम। गुरु पैसे नहीं है। गुरु मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ गई, मैंने अपना हाथ काट लिया और खून बेच कर दारू पी रहा हूँ। गुरु सब लोगों की प्रॉब्लम मैडम सॉल्व कर देंगी। बैठ जाइए। गरीबों का कॉमन प्रॉब्लम मनी, अमीरों का ऐसा नहीं है। वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। इस धरती पे कोई अमीर इंसान खुश हो ऐसा चांस ही नहीं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। जॉब छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। ओके, आप हार गई तो जो मांगोगे वो दूंगी। इस डायलॉग को अच्छे से याद रखना, इसका अंपायर तू ही है। ये दादाजी है ना, मल्टी मिलियनेयर है लेकिन खुश नहीं है। 20 साल पहले इनकी बीवी गुजर गई, तब से ये हर रोज मायूस रहते हैं। कौन ये? भोलापन होना ठीक है लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। बताओ 12-12 लड़कियों के साथ चुनके शादी की है। क्या 12-12? 12 क्या है इसके लिए? 12 के बाद 13वां एडिशन भी हो गया है। बाप रे, उमा देवी का। बेवजह तुम कुछ भी मत बोलो, समझे? खुद ही पूछ लो। हाय निशा, सॉरी कैप यू वेटिंग। हाय अंकल। डोंट कॉल मी अंकल, आई एम स्टिल यंग, कॉल मी चौधरी। चौधरी, आप उमा देवी को जानते हो क्या? हमारी रियासत की 13वीं रानी है। गाड़ी बाड़ी नारी सब कुछ है मेरे पास। क्या बात बोली है आपने। पैसों के लिए लोग अपने सुख शांति खो देते हैं। करेक्ट। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें आराम से जीना चाहिए। वैसे अब तुम ही शादी वादी कर लो। हाँ हाँ, 16 आने सच्ची बात है ये। वहाँ मैं चूक गई लेकिन यहाँ चूकने का
चांस ही नहीं। वो देखो, उसका नाम है जॉन, 3 साल से डायलिसिस में है। डॉक्टर ने कहा बस 5 महीने है। बेचारा दुख भुला नहीं पा रहा था, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दान करके यहाँ सेटल हो गया। ये तो आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। हा? CBI की रेड होने वाली है, पता लगते ही अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही दान कर दी। समझ में नहीं आया क्या, इस ट्रस्ट के कोर ट्रस्ट मेंबर्स में से ये भी एक है। अगर इनकी जगह पर कोई गरीब होता तो डेली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता, मिडिल क्लास होता तो ठीक ठाक हॉस्पिटल। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठकर ड्रिंक करके खुश हैं वो। नो चांस। तो चांस लेके देख लो। हाय अंकल। अंकल। हाय निशा, आओ बैठो बैठो। आपकी हेल्थ बहुत खराब है मुझे पता चला। इसीलिए तो निशा मैं यहाँ रिलैक्सेशन में हूँ। मेरे बिजनेस में पड़ गया है रेड, इसीलिए मेरा हेल्थ हो गया आपसे। अच्छा, ये सारी बातें आपको यहाँ आने के बाद पता चली या फिर पहले से ये सब कुछ पता था? इन बिटवीन में, बीच में। हाँ बीच में। अरे ग्रेट सर, मैं अभी चेक करके आता हूँ। ओ डार्लिंग, वन मोर शॉट प्लीज। अंकल, ड्रिंक्स? ड्रिंक्स आल्सो मेडिसिन। Okay, I will call you later. No, meeting is cancelled. Sir, Suresh. Oh, Suresh, you are fired. Meet Mr. Ramesh Patel. 75 company owner, 5 Techno Park, 750 crore investment. Aapka? Haan, hey, bole. Sir, full rich. Dharti pe rehne wala har insaan sukhi nahi hai, sir. Full pain, frustration. Sir, full rich. Haan, neend, sona, nahana. Nashta karne ka time bhi nahi hai mere paas. Madam, ye burger khalo main? Ye burger nahi. सैंडविच। फ्रस्ट्रेशन, समझ में नहीं आता कि मीटिंग करूं कि खाना खाऊं। सर फुल रेंज। अब तो मानोगे ना तुम हार गए हो। बोलो। बगल में छोरा और शहर भर में ढिंढोरा। आपका ऑनलाइन चैनल कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं सर, कोई देख ही नहीं रहा है साला। ना TRP ना पैसा आ रहा है, फुल लॉस। बड़ी तकलीफ कौन समझेगा सर? क्या ऑनलाइन वाला एक चैनल तुम्हारा है? अरे तब तो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखता हूं। अरे देखिए ना, सिर्फ ये देख रहा है, ऐसे पैसा कैसे आएगा सर? अरे पापी पेट का सवाल है सर, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैडम ये सब उससे नहीं होगा, उसी दिन मैंने आपसे कहा था। हमारे सर फुल रिच। लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारे सर फुल रिच। ए, कौन नीचे, चल निकल यहाँ से। सर फुल रिच। खेल खत्म हो गया। सर फुल रिच। अरे कहाँ फंस गए। जीतना गलत नहीं होता है, गलत तरीके से जीतना गलत है। Okay, guys, let's start up. तो आपने हार मान ली ना? कोई चांस ही नहीं, ये सब अमीरजादे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। वीकेंड में पेरेंट्स से मिलते हैं कि नहीं ये भी डाउट है। अपने दुख मिटाने आए। कौन ये लोग? हेलो, आई एम गोइंग टू सी। जब करो लेट्स डांस। चलो चलो। हेलो ब्रदर। हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक यू। आई वांट टू आस्क यू समथिंग। हां बोलिए। आर यू इन पेन? नो पेन, आई एम ओके, गुड वाइब्स ओनली। लगता है बहुत अमीर हो आप। हाँ बहुत। ओहो, फिर काम कौन करता है? अरे काम वाम कुछ नहीं करता हूँ मैं बस एंजॉय करता हूँ। कम ऑन बेबी। मैं सच कह रहा हूँ, उस उम्र में मेरे पास चिकी मूंगफली खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। मनी रूल। बोलो, अब तो हार मानती हो ना? कैसे मानूं? हाँ मैं खुश दिख रही हूँ क्या? कौन कब मुझ पे अटैक करेगा पता नहीं, तुम जैसे को हायर करके जीना पड़ता है। हाँ ठीक है, मैं हार गई। अब क्या? हाँ क्या चाहिए तुम्हें? वॉच, ATM कार्ड, क्या चाहिए तुम्हें? रो रही हो क्या? नहीं, आंखों से बस पानी बह रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक किस दे दो। अरे बाप रे, किस? तो क्या, बाप में थोड़ी तो इज्जत चाहिए ना। मैंने सिर्फ एक किस मांगी है, इतना ही। चलो जल्दी करो, आपने कहा था जो मांगोगे वो दूंगी, अब दो। मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम चुपचाप दे दीजिए। देखिए जुबान से मुकरना नहीं चाहिए, दे दीजिए। हाँ रेंज को सूट नहीं कर रहे, जब मन करेगा मांग लो। आधी हुई फ्री किसको मिस कर दिया? ईगो हर्ट करने का मजा कुछ अलग ही होता है। वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर हमारी टेरिटरी में आकर शादी कर रहा है ना, समथिंग इज फिशी। खानदान का नाम बहुत बड़ा है ना, खानदान के साथ ही जाकर हम।
चीफ गेस्ट। जेब में गन रखने से कुछ नहीं होता, गन के साथ साथ गट्स भी होने चाहिए। एनिमी तुम्हारे 360 डिग्री मौजूद है। शैतान बैच को भेज दिया, सबको काट के फेंक देंगे वो। दिस इज रियली गुड न्यूज, एंजॉय द मोमेंट मैन, ब्रेकफास्ट करो। Thank you.
अच्छा चल रहा है ना भैया? Doing fine.
डैडी आपको बहुत पसंद करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। सॉरी, न्यूज़ सुनने के बाद मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान ही ऐसा चाहते थे। अच्छे इंसान को प्रीति, क्या हुआ, लड़की नहीं मिल रही क्या? ए, कौन है उधर? यहाँ पर क्या कर रहा है? हमेशा के लिए तुझे सुलाने आया। Everything is fine. We are back to form.
यूनिट्स हमारे कंट्रोल में ही है। हमारा डर उनके मन में कुछ ज्यादा ही बैठ गया है। विजय गायकवाड को मारने के लिए तू इतनी दूर से आया, रीजन क्या है? He sent a man, a single man, who came from a far land. He destroyed the kingdom, devil's kingdom. जब से मेरे डैडी की मौत हुई है, तब से मैंने बहुत तकलीफ सही है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, समझना मुश्किल है। तुमने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली की भी जान बचाई है। तुमने अनजाने में हमारे बिजनेस में बहुत हेल्प की है। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मेरे डैडी मुझे दो जिम्मेदारियां सौंप गए हैं। पहला ये बिजनेस, दूसरी मेरी बहन। और ये जिम्मा मेरे बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल है। एक हफ्ते के लिए निशा को सेफ रखना है। इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके सर। सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हीं के बीच जिंदगी कटी। मेडिकल कंप्लीट करने के एक साल बाद मैं एक काबिल डॉक्टर हूँ ये भूल गई थी। कल फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने डिलीवरी कराई है। जब पहली बार मैंने तुम्हें आश्रम में देखा था तब मैं तुम्हें कैसी लगी ये नहीं पता, लेकिन
तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुमने जब मुझे और मेरी फैमिली को बचाया, उस दिन से मेरी जिंदगी का हर एक पल सिर्फ तुम्हारा ही है। मुझे ऐसा लगता है आई लव यू संतोष। My dear sister,
दिशा गायकवाड़ ऑन स्टेज। आज से इस कंपनी की पारिश और द साइन ऑफ अथॉरिटी बिलोंग्स टू निशा गायकवाड़। मुझ पर भरोसा करके इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, होप आई फुलफिल इट। इस स्पेशल मोमेंट में मैं एक स्पेशल इंसान को थैंक्स कहना चाहूंगी। वो अगर मेरा साथ देगा तो इतने टफ टास्क को भी आसानी से मैं हैंडल करूंगी, ये मेरा विश्वास है। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर संतोष। सिक्योरिटी के तौर पर आकर हमारे शील्ड बनकर आज ही हमारी फैमिली का एक मेंबर बन चुका है। संतोष का मतलब है विश्वास, ताकत और हिम्मत। इतना ही सब? मैं मतलब डर नहीं है क्या सर? मैं हूं मतलब डर भी तो होना चाहिए ना सर। मुझसे डर होना चाहिए। ए, ये क्या बक रहा है?
चलिए। अरे फोन बाद में कर लेना, जाकर मार उसे। आ रहा है वो। हेलो सर, ही इज अलाइव सर। हु इज अलाइव सर? ही इज अलाइव। टेल मी हु इज अलाइव। जेम्स। नाम सुनते ही हार्ट बीट फास्ट हो गई ना। राउडी, गुंडा, डॉन, गैंगस्टर, इन सब का बाप हूं मैं। अगर तू सच्चा मर्द है, अगर तू मुझे मारना चाहता है, अगर मुझसे रिवेंज चाहिए, तो सर इट्स क्लियर। जानबूझ के झूठ बोला। तुमने मेरे फ्रेंड्स को मारा, उन्हें मानसिक तकलीफ पहुंचा। आई वॉन्टेड टू टेक माई रिवेंज। टेक योर रिवेंज। Jacob has been taken hostage and they have sent a video clip. Hamar aadmiyon ko chhod do, nahi to usko maar dalunga. Hamara logon ko chhod do, warna koi bhi zinda nahi bachega. Nahi chhodenge. So what's your opinion? Let's activate our elite para commando unit. So who is leading? The intense attacker. We call him James. He led 19 code operations with 100% success, without a single casualty. He is a terror to all the terrorists. Highest commendation in para training. He is Major Santosh Kumar. Move.
Take position. Yes, sir. Soldier, soldier, ye sari hara ushme, gan gan
outstanding soldier. The second reason, आप हमारे कर्नाटक के हो. Thank you sir. गांव कब जाने वाले हो? कल सर. अगर समय मिले तो हमारे गांव मड़करी जाकर आना. हाँ बिल्कुल सर. लौटते समय मेरा फेवरेट मैसूर पाक लाना मत भूलना. श्योर सर, लेकर आऊंगा. जय हिंद सर. जय हिंद सर. सर मैंने सुना आपने छुट्टी ली है. सही सुना है. कितने दिन के लिए? लगभग 15 दिन. 15 दिन? सर आपके बिना हमें तकलीफ हो जाएगी. हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? मेरे बिना कहाँ रहने वाले हो? हा? मेरे साथ आप भी आ रहे हैं. सर लेकिन मैं कैसे? आपकी छुट्टी की भी बात कर ली है. सर दिल के करीब रहते हैं दोस्त, दिल के ज्यादा करीब रहते हैं भाई, लेकिन आप तो मेरे लिए उनसे भी करीब हैं. आप आएंगे तो अच्छा होगा. मैं जरूर आऊंगा सर. ओके. क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों? सर आप कहेंगे तो मैं युद्ध में लड़ लूंगा, लेकिन फ्लाइट पर चढ़ना मेरी सांस रुक जाती है. लगता है किसी ने डब्बे में पैक कर दिया. तो इसे भी युद्ध समझ लेना बस. मैं ऐसे ही करूंगा सर. सर अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? हां पूछो. सर आप तो हमेशा देश और ड्यूटी को लेकर सीरियस रहते हैं. मैंने कभी आपसे कोई पर्सनल बात नहीं पूछी और आपने मुझे बताया भी नहीं. अभी पूछ लूं क्या? पूछो. सर आपका परिवार कहाँ है? मेरा परिवार कहाँ है? अभी शादी नहीं हुई है मेरी. शादी के बारे में नहीं पूछा? आपके परिवार में मम्मी पापा भाई बहन कोई तो होगा सर. कोई नहीं है क्या? नहीं सर जी. भगवान जो है वो सबसे प्यार करता है, लेकिन कुछ लोगों से इतना प्यार करता है कि उन्हें अपने पास बुला लेता है. हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ है, ऐसा मत समझो. ये धरती ही तुम्हारी माँ है, ये पूरा देश ही तुम्हारा घर है. यहाँ पर रहने वाले इंसान तुम्हारे अपने हैं. आज के बाद तुम सब एक दूसरे के भाई भाई हो. वेलकम मेजर. अरे ये फॉर्मेलिटीज किस लिए यार?
हाय मेजर। क्या हुआ, तुम सब इतने पतले कैसे हो गए? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ आराम है, बस थोड़ा वर्क प्रेशर तो रहता ही है ना। अरे क्या प्रेशर यार, प्रेशर को प्लेजर समझ लो, बस जिंदगी आराम से कट जाएगी। ओके मेजर, आप बात करिए आपने सर। मेजर ये राकेश कुमार पिरंगी है ना? यस सर। आपने तो उन्हें मेरे बारे में पहले से बता रखा है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मदन कहाँ है? आ गया। हे आइए आइए पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम। वो लघु शंका क्षमा कर दीजिए, बताइए कैसी रही यात्रा? विमान विलंबित हुआ ना, मेरे अनुमान से आपने भोजन नहीं किया होगा। चलिए सब साथ मिलकर खाते हैं, ये सामान मुझे दीजिए। आजकल की जनरेशन है एकदम शुद्ध। मैं पक्का देसी हूँ जी, अपनी संस्कृति नहीं भूलता, देश से मुझे बहुत प्यार है। एकदम चकाचक, गिव मी योर सामान। कष्ट ना करें, मैं स्वयं कर लूंगा। अवश्य। यहाँ आकर कॉफी पीने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। बाय द वे ये मदन है, जनाधीन पत्रिका का चीफ एडिटर। इसको समाज की बहुत चिंता है। ये है एकांत, बहुत ही होनहार है। ये एक जिला अधिकारी के तौर पर लोगों की सेवा कर रहा है। ये है जगन, आईपीएस ऑफिसर वर्किंग इन एनसीबी। और ये है अमर, रामनगर में एसीपी है। सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली भी। मामा कल मुझे बॉक्स भर के चॉकलेट चाहिए। और एक आज जो दिया है वो आज रात को ही खत्म हो जाएगा ना। बच्चों को चॉकलेट खिलाना तुमने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया। मुझे डेरी मिल्क भी चाहिए। ओके मामा, मुझे किंडर जॉय भी दोगे ना? ऑलरेडी तुम लोगों ने अपनी चार चार दांत खराब कर लिए हैं और फिर से चॉकलेट चाहिए, जो बचे वो भी चले जाएंगे। अरे खाने दीजिए, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? सर आप चॉकलेट की दुकान बोल लीजिए सर। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ आपके बारे में चर्चा होती ही रहती है। मेरी चर्चा? मॉल, मेट्रो, मार्केट, जहाँ भी जाए ये लड़की सूट होगी क्या, वो लड़की सूट होगी क्या, सिर्फ यही बातें चलती रहती है। इन्होंने मैट्रिमोनी भी नहीं छोड़ा, सब जगह ट्राई कर रहे हैं। ये सब क्या यार? बिल्कुल मेजर, ये मैटर अब तो तुम्हें बहुत ही सीरियसली लेना होगा। इस बार तुम्हारा हमसफर भी तुम्हारे साथ जाएगा। करेक्ट मेजर। अब अगर तुम लोग सब इतने सीरियस हो तो मेरी तरफ से भी हाँ है। अगस्त 1st फ्रेंडशिप डे, इसी दिन हम सब इस आश्रम में मिले थे। हर साल हम जहाँ कहीं भी हो, चाहे जितना भी बिजी हो, आज के दिन हम सब जरूर मिलते हैं। सारे काम छोड़कर इस आश्रम में आते हैं। फ्रेंडशिप डे पर ही हम पांचों मिलकर अपना बर्थडे मनाते हैं। अन्नदान और विद्यादान जहाँ हम जिंदगी भर कर सकते हैं, वो जगह है ये आश्रम। हमारे जैसे हजारों लोगों का घर बस ये आश्रम ही है। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। आपके आश्रम में बड़े होकर आगे इस समाज में ये सारे बच्चे कामयाब और नेक इंसान बनेंगे, ये विश्वास है मुझे। जैसी आपकी इच्छा। नमस्ते। ठीक है जाकर आइए। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि बड़ा होकर मुझे इनके जैसा बनना है। हर इंसान के जीवन में एक गोल और एक गुरु होना चाहिए। हमारी जिंदगी में उन्होंने हमें गोल दिखाया और ये हमारे गुरु हैं। अच्छा व्यवहार, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, यही इंसान की असली दौलत है। अगर हमसे चार लोगों का भला होता है तो वो फल है। हमसे किसी का कोई नुकसान ना हो तो वो उपासना है। कलयुग का अंत हो जाएगा पर सीख खत्म नहीं होगी। अपने अंदर सीखने की नियत निरंतर होनी चाहिए। अगर परम श्रेष्ठ आत्मा हमारी है तो परमात्मा हमारे अंदर बसेगी। सर इंसान का बचपन मजबूत हो तो वो कभी हार नहीं मानता। भगवान का आशीर्वाद और बचपन में हुई दोस्ती दोनों जिंदगी भर साथ रहते, सुनकर खुशी हुई सर। पादा का
यस सर, आई विल बी देयर। राइट सर। ए जगन, इतनी टेंशन में क्यों है तू? एक इम्पोर्टेंट काम है, यू गाइस कैरी ऑन, आई विल जॉइन यू गाइस टुमारो। जगन आज तो रुक जाओ। आई एम सॉरी। सर लोग कभी कभी अपना मकसद भूल जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलते। ग्रेट सर, अगर आप जैसे और लोग होंगे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा? वैसे हमें कहां पहुंचना है सर? पांडिचेरी सर। वहां कुछ खास है सर? आपको खेल के बारे में नहीं पता, आप स्टेडियम में आए हो। सर मुझे यहाँ के खेल के बारे में नहीं पता, लेकिन वहाँ के बारे में पता है। डिश क्या हो? हमारे एकांत की शादी है। क्या एकांत की? अरे हैप्पी मैरिज। अरे कंफ्यूज मत होइए, एकांत ये नहीं, ये इसको पांडिचेरी में ही कांग्रेचुलेशंस बोलना। आइए चलते हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, अपने ब्रदर्स को इंडिया मत भेजिए। जो काम दिया है उसको पहले ठीक से पूरा करो, बाद में आगे का काम बताऊंगा। गॉट इट? मेरी वो केटरिंग वाले को बता दिया है ना? नहीं तो बताया। फादर को भी बोल दिया है ना? अरे आपने ही तो बताया था। और फ्रेंड्स रिलेटिव्स वेलविशर सभी को बोल दिया है ना? कोई भी छूटना नहीं चाहिए, संभाल लेना। हाँ, हाँ, आप तो बोल करेक्ट है, फिर भी तुम मुझे याद करवाते रहना। अरे बेटा। पापा ऑल सेट है ना बेटा? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है पापा। 10:30 बजे दामाद जी को यहाँ होना चाहिए था, अभी 11:30 बज गया, उनका कोई ऐसा पता नहीं है। यू हैव टू सेट हिम राइट आफ्टर मैरिज, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी में ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? तो 10:25 हुए। अरे ये वॉच को अभी खराब होना था। वेल, दामाद जी के साथ उनके दोस्तों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और आपको देखकर तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो गई, पता है क्यों? क्यों सर? उन्होंने पूछा क्या? सॉरी, क्यों सर? मिलिट्री वालों को देखकर गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। हे जवान सर, आई एम अ रिपोर्टर सर। मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता है क्यों? क्यों सर? पूछो मत। आई एम अ रिटायर्ड कैप्टन, विशाखापट्टनम के पोर्ट पे 30 साल मैंने सेवा की है। सर आप तो नेवी वाले हैं और हम ठहरे आर्मी वाले सर। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एकांत ने बताया, बहुत खुशी हुई सर। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे पसंद नहीं आया। पूछो क्यों? क्यों सर? मेरी बेटी दामाद जी को अपने साथ लेकर आई और बोले कि मैं इनसे शादी करूंगी, ये मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में मेरे दामाद जी ने मुझे बताया कि मेरा एक दोस्त सेना में है तो मुझे पसंद आ गया और मैंने हाँ कर दी। पूछो क्यों? क्योंकि मिलिट्री आपको बहुत पसंद है सर। करेक्ट है। और एक बात सुनिए, ठंड बताइए ना सर। 1971, यस सर, द गाजी अटैक, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध। हाँ। एक मिनट, इसके आगे सर? लगता है इसके सिर में चोट लगी। मैंने सुना। अरे सॉरी सर। क्या बोल रहे हैं, कितने अच्छे इंसान है ये। ससुर सुपर है और लड़की डुपर है। सर आपके फ्रेंड को बप्पर इनाम लगा। क्यों पूछो? क्यों सर? उनसे ही पूछना पड़ेगा। वो तो पूछूंगा। मैंने कितनी बार कॉल किया, कॉल पिक क्यों नहीं किया? सब लोग साथ में थे ना इसलिए। मुझे ये सब पसंद नहीं है। सिस्टर नाराज मत हो ना, हमारा बंदा ऐसा ही है। आपकी जो भी कंप्लेन हो ना मुझे बता देना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस नॉर्मली बातें कर रहे थे। मम्मी बुला रही है, मैं बाद में मिलती हूँ। बेटा शादी के पहले ये सब चीजें समझ भी नहीं आती, शादी के बाद ही असली खेल शुरू होता है। या रेस्ट इज ऑल फाइन, मे द प्रेज बी विद ऑलमाइटी। जय हिंद कर्नल। हाय सर। यस। आपके आचार विचार सत्कार संस्कार ये सब कुछ देखकर विकार से मैं साकार हो गया सर, मुझे हर्षोल्लास हो रहा है सर। कौन सा लास? हर्षोल्लास सर, पसंद आया सर। सुनने में अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। मुझे भी सर। सर आपको कोई काम होगा तो बताना, मैं रिपोर्ट करूंगा। सपोर्ट करूंगा ना। हाँ ये मुझे पसंद है। पसंद आया सर। थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन। कमिंग। मैं अभी कम हो गया, पसंद सबको आना ही चाहिए ना, पसंद को पसंद में बदलना ही मुझे पसंद है। मेरे ब्रदर्स मेरी बात माने बिना इंडिया चले गए, अभी वो एनसीबी के कस्टडी में है। विजय आई नीड योर हेल्प, बिजनेस में तुम्हारे टर्म्स पे करूंगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हमारा एंटायर बिजनेस कोलैप्स होने के चांसेस है। बिजनेस अभी हमारी तरफ टर्न हो गए हैं, ये रिस्क लेने का टाइम है तो ले लेते हैं। ये हमारे साहब है, अच्छी फोटो दिखाना। ये हमारे गांव का लड़का है सर, बड़ा आदमी बन गया है, पर ये दिखता तो छोटा ही है। अपना विकिपीडिया सुनो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वणकम, सलाम वालेकुम, राधे राधे। सर ने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये देखिए सर, ए से लेकर जेड तक सारी क्लास की लड़कियां मिलेगी आपको मेरे पास। लड़की का फोटो देखकर आप सिलेक्ट कीजिए, उनका बायोडाटा, उनकी फैमिली का बायोडाटा, सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। ये देखिए सर, ये वाली लड़की बहुत रिच है सर, ये जमीन पे चलती नहीं, सिर्फ उड़ती है। आप कहेंगे तो मैं पकड़ लूंगा इसे। सर ये वाली देखिए, ये तो अप्सरा है सर, इसको मनाना मुश्किल है सर, ये लड़कों को हार ही करती है। ये पसंद आई क्या? या फिर इसको देखिए सर, ये घरेलू टाइप की है, लेकिन घर वाला कोई भी काम इसे नहीं आता है, सिर्फ ऑनलाइन फूड मंगवाना आता है। एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है सर, शादी का मतलब एडजस्टमेंट सर। वैसे क्या आपकी कोई डिमांड है सर?
एक रिक्वेस्ट है। बोलिए ना। पैसों को अहमियत देने वाला रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल मैंने सिर्फ अपने देश के लिए जीने का फैसला कर लिया है। ओके सर। मैं यहाँ आया हूँ इसकी शादी के लिए, इसलिए मेरी शादी की बात मत करो। ठीक है सर। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो मैं इन सबको बताऊंगा, तुम्हें भी बताऊंगा, समझ गए ना? गुड लक। रिजेक्ट है, निकल, चल। जूस पियोगे क्या? ठीक है सर। हाँ तो फिर निकलो। सर बात ऐसी है कि किसी लड़की के लिए धन दौलत कमाने वाले लड़के मैंने बहुत देखे हैं, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, लेकिन अपने देश के लिए अपनी इच्छाओं को मारने वाला ऐसा लड़का मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सैनिक एक रियल हीरो होता है सर। सर हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। जल्दी निकल। सब कुछ कंट्रोल में है, नथिंग टू वरी। आई विल कीप अपडेटिंग सर। ओके। हाय जगन, सारा काम खत्म हो गया, सब ठीक है ना? एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ बोलना। 3 months back मेरे कलीग का भाई श्रवण, ही इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसने सुसाइड कर लिया। केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय मुझे पता चला कि ही वाज इनटू ड्रग्स पेडलिंग। थोड़े दिन पहले हमने पेडलर्स को अरेस्ट किया था, उन लोगों से हमें मेजर इन्फॉर्मेशन मिली। इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स एक कोलैबोरेशन के लिए बेंगलोर आए, स्पेशल टीम को फॉर्म करके हमने एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि वो लोग पैडलर्स नहीं है बल्कि ड्रग लॉर्ड्स एंड दे बिलोंग्स टू द मोस्ट नोटोरियस कार्टेल द गोल्डन हॉर्स। फर्दर इंफॉर्मेशन से पता चला कि इंडिया में 2 मेजर ड्रग सिंडिकेट एक्टिव। इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रही है, अगर ये न्यूज ब्रेकआउट हुई ना तो एक बहुत बड़ा सेंसेशन क्रिएट होगा मेजर। एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू देम टू, इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। चीयर्स। गुड जॉब। थैंक यू मेजर। अच्छा मुझे जो चीजें पता है मैं तेरे साथ शेयर करता हूँ। तुझे पता है हमारा जो रिसेंट ऑपरेशन है वो ड्रग्स से रिलेटेड है। आई सी। ड्रग्स, इलीगल आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें इतना पैसा है दैट यू कांट इवन इमेजिन। जहां ज्यादा पैसा वहां पर उतना ही बड़ा गेम। इसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पैसों को हाथ मत लगाओ, लगाओ तो सीधा खत्म कर दो, वरना हम जैसे लोग टीवी पर सिर्फ न्यूज बनकर रह जाते हैं। एक सजेशन, जितना जल्दी हो सके उन्हें कोर्ट में पेश करो। सेकंड सजेशन, सिक्योरिटी। तू चाहे काम पर हो या हॉलिडे पर जाए, तेरे और तेरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, प्लीज स्टे अलर्ट। तू जितना ज्यादा अलर्ट रहेगा उतना ही अच्छा होगा। यस मैम। प्लीज। सर आपका टेरर तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपके दोस्त भी सारे ऐसे ही हैं। क्या सब कुछ सुन लिया क्या? हाँ सर। इसीलिए कहते हैं इंसानों में अपने दोस्त की पहचान होते ही इंसान और इंसानियत को हम एक कर सकते हैं। आप तो मुझे ज्ञानी बना के मानेंगे। चलिए सर। आपका सजेशन रिजेक्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। देख लिया कि तुम्हें अरेस्ट करने की हिम्मत तो उनमें है, पर इस गलती का क्या अंजाम होगा ये उन्हें पता नहीं है। डर क्या होता है ये दिखा दो उन्हें। श्योर। जब तुम्हें अरेस्ट किया था उस वक्त तुम्हें जो पेन हुआ, इंसल्ट हुई, एम्बेरसमेंट हुई, ये उन्हें भी होना चाहिए। शो देम हेल। यस। आए सब लोग। फिरंगी जी। क्या बोला तुमने? आपने मेरी मिसेस को कहीं देखा है क्या? दोबारा बोलना। फिरंगी। मैं फिरंगी नहीं हूँ, मैं फिरंगी हूँ, समझे? सॉरी सर। मेरे पिता होली नायक फिरंगी, मेरे दादा अनी नायक फिरंगी, मेरे परदादा राजहंस फिरंगी। अरे बहुत बड़ा खानदान है हमारा। आपको इस बिगाड़ कर नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। किसे सर? पहले जिसका नाम बिगाड़ते हैं उसे, और फिर जो बिगाड़ता है उसे भी। सर कहाँ रखा है? क्या फिरंगी गन को? वो हमारे खानदान की कीमती चीज है, युद्ध में इस्तेमाल करते हैं उसे। गंदी नहीं होती सर? गंदा नहीं होता है, बीच बीच में साफ करते रहते हैं, नारियल के तेल से, दूध से। मदन आप यहाँ पर हैं? नैना आपको कब से ढूंढ रही है, जल्दी चलिए। गन को दूध से भी साफ किया जाता है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। मैं तो कल ही जाकर आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवा लूंगा, ना रहेगा फिरंगी ना बनेगा फिरंगी। Thank you.
सर, आपने कहानी नहीं बताई सर। हाँ कहानी, 1971। हाँ सर, गाजी अटैक। हाँ सर, भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध। हाँ सर, दिल दुखी हो गया यार, बहुत तकलीफ होने लगी। पाकिस्तान वालों को सर? कल सुबह बेटी ससुराल चली जाएगी यार, ये सोच के थोड़ा भावुक हो गया हूँ। कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। I know, एक मिनट दो मुझे। मैं कहानी बताता हूँ। हाँ, बाद में बताता हूँ। सर, सगे संबंधी, यहाँ तक कि भाइयों पर भी भरोसा नहीं होता। हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है सर, तकलीफें साथ झेलेंगे, हमारे बीच प्यार कुछ ज्यादा ही है। हम लोगों की दोस्ती ऐसी ही बनी रहे, किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए, आप हमेशा खुश रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ये सब ऐसा ही रहे। बहुत सीखा है मैंने यहाँ लाने के लिए, शुक्रिया सर। और संतोष तुम यहाँ हो? यस सर। और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। कहानी सुनोगे? बैठकर बताओ। श्योर सर। ओके। एक्चुअली 1971 गाजी अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर, बहुत बड़ा युद्ध, इससे आगे बताइए ना सर। सर सो गए। सर 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 उठिए ना सर। सर 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 मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ बताओ मुझे। हम धारावी में? नहीं, हम तो अभी लोनावाला में हैं। नहीं नहीं, हम तो पांडिचेरी में। नीना, मुझे थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, प्लीज। सर कहानी बताइए ना सर। समवन हेल्प मी प्लीज। आई एम ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी। कहानी बताइए ना सर। थैंक यू सर। अरे सर, अरे ये कहानी बताएगा नहीं, हम आगे सुन नहीं पाएंगे। चीयर्स। इयररिंग बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो दे सकती हो ना। क्या कहा? दो ना। क्या सबके सामने? वाह, देखो सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी हैं, कोई हमें नहीं देख रहा, यही परफेक्ट टाइम है। क्या है ना कि जो चीज लोग से लौटा देना चाहिए। नाउ योर टर्न। बच्चों का खेल है क्या? जल्दी दो ना यार। जैसी मैं तो कैसी मांग रहा था, तुम तो लिपटी गई। लोग देख रहे हैं।
बहुत दर्द हो रहा है। तुझे गुस्सा आ रहा है मुझे अरेस्ट करके गोल्ड मेडल लेके इतिहास रचना चाहता है, लेकिन आने वाले इतिहास में तेरा बैड चैप्टर होगा। मैरिज पार्टी में ड्रग्स लेकर इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा करके एक दूसरे पर फायर करके सबके सब मर गए। IPS officers on high, ये होगी ब्रेकिंग न्यूज। हैप्पी जर्नी। रोते रब को पल दो पल को है
सुनी धड़कन सुना आंगन दिल ये कैसे सहे, अरे कहाँ अब ये चले प्रभु मेरे। मेरे अपने वो सोंदे सपने अभी अभी यही थे, अब देखो दूर गए। मिलिट्री से हमारे कुछ दोस्त आए हैं। किसने किस लिए ये टारगेट बनाया था, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुश्मनों के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली, उनका ठिकाना और वो क्या काम करते हैं, हमने सबके बारे में एनालाइज करना शुरू कर दिया। रॉबिन, जॉन और पीटर, you carry on. I'll tell you later. Hello? Who is this? James. James? Are you my friend? Enemy. Enemy. तूने मुझसे मेरे दोस्तों को दूर किया है, एक खूबसूरत परिवार को बर्बाद किया है, तूने बहुत बड़ा दर्द दिया है। Mark my words. सूद समेत तुझे लौटाऊंगा, तेरे अपनों को दूर कर दूंगा तुझसे, असली दर्द क्या होता है तुझे महसूस कराऊंगा, एंड फाइनली आई विल किल यू। यू वेलकम जेम्स, मिलिट्री का कोड नेम, दोस्तों की याद में रखा गया नाम। उस दिन उनकी कही बातें सिर्फ बातें नहीं थी, एक दहाड़ थी। Peter! Peter! Peter!
पीटर। सर, राइकॉर्ड ग्रुप्स ने हमारे सिंडिकेट को क्विट कर दिया है और हमारे सी हंटर्स उस किलर के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहे हैं। ओके। इस घटना के एक हफ्ते बाद भी जोसेफ एंथनी के लोग संतोष को बुरी तरह से ढूंढ रहे थे। वो सी हंटर्स संतोष के जैसा दिखने वाले एक आदमी को मारकर 4 दिन तक उस बॉडी को समुद्र में ढूंढते रहे। लेकिन उस वक्त मैं और संतोष सर ब्रिगेडियर के ऑफिस में थे। नो इंटेंशन वाज राइट, लेकिन तुम्हारा सिलेक्ट किया हुआ रास्ता वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीइंग अ सोल्जर विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटी, बॉर्डर को क्रॉस करके जाना योर फर्स्ट बिग मिस्टेक। अपने पर्सनल रिवेंज के लिए इतने लोगों को मार डालना, योर सेकेंड बिग मिस्टेक। एक्चुअली अंडर द मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट तुम्हारा कोर्ट मार्शल होना चाहिए, बट कंसिडरिंग योर सर्विस टू द नेशन यू आर एक्सक्यूज्ड। गेट वेल सून एंड रिपोर्ट टू मी एज सून एज पॉसिबल। बताओ कौन है गद्दार, पूरी दुनिया को नाश करने वाला तुम्हारा भाई या ऐसे लोगों को दुनिया से क्लीन करने वाला संतोष? वो बुरे नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इंसान को पहचानना सीखो।
सर। हाय मिस्टर जेम्स। एंथनी, जोसेफ एंथनी। शौक लगा क्या? दोस्तों के लिए लड़ने वाला तो ग्रेट है, या भाइयों के लिए लड़ने वाला मैं ग्रेट हूँ? डिसाइड करते हैं। तेरे दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करके इंडिया आया हूँ। अभी जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। मेरा पावर मनी यूज किए बगैर विद इन 3 डेज तू मेरे सामने होगा, और मैं जहाँ रहूंगा वहीं तुझे आना होगा। आई एम वेटिंग वेटिंग फॉर माय रिवेंज। अब क्या करें सर? युद्ध में दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम दुश्मन के हाथों मारे जाओ या दुश्मन को तुम मार दो। तैयार रहना। यस सर। जिंदगी में हर इंसान को समझना जितना जरूरी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी समझना उतना ही जरूरी होता है। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रदर्स के इमोशंस की वजह से बेस्ट फ्रेंड का अफेक्शन मैंने खो दिया। मारने का फैसला लिया मैंने। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमारे उपाय को तबाह करके, हमारे भाइयों को मारकर, हमें फूल बनाकर, हमें चैलेंज कर रहा है, मतलब he is dangerous। जब हमारे लड़के उसके सेल में घुसकर उसके आदमियों को मारकर आसानी से इसे छुड़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने उसे सिर्फ बात करते हुए देखा है, वो कैसे मारता है ये कभी देखा है क्या? मैंने देखा है, एक इंसान पूरी सेना को अकेला खत्म कर देता है। इट्स नॉट अ जोक। He's right. यहां पावर से ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है। सीधा टैकल करने से अच्छा है उसे टेढ़े ढंग से हैंडल करें। इट मस्ट बी अ लेसन फॉर आवर एनिमी।
पावर क्या होती है पता है? वो जहां खड़ा हो उस जगह एम्पायर बिल्ड करके बिजनेस को कांकर करके चैलेंजिंग एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। रियल गैंगस्टर। तेरे जैसे कितनों की लाशों का पहाड़ बनाकर इस पोजीशन पे आए हैं। अगर तुम मेरे साथ रहकर मुझे धोखा दे सकता है तो क्या मैं अपनी बहन को जरिया नहीं बना सकता? साला नमक। तुमने मेरी बेटी को छुआ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगर मेरे बिजनेस के साथ खिलवाड़ किया तो जिंदा नहीं बचेगा। कंपेटिटर है ये मैंने सोचा नहीं था। अभी इस वक्त एक सेकंड में 100 बुलेट तेरी बॉडी में उतार के रख दूंगा। तुझे चांस देता हूं, मौत से पहले अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल। मुझे दोस्त पसंद है और देश तो मुझे बहुत 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 ही ज्यादा पसंद है। इंडिया में कोई भी ड्रग सिंडिकेट को मैं एक्टिवेट नहीं होने दूंगा सर। अपने दोस्तों के सपनों को मैं सच करूंगा सर। I was so desperate to hear this, Josh. Special opportunity is waiting for you. We are assigning you to lead a special covert operation, Mission Narc. Choose your team. Yes sir. Are you ready, soldiers? Yes sir. Are you ready for the operation? Yes sir. Jai Hind. Thank you.
ब्रदर, भाई से बढ़कर मुझे अपने देश से ज्यादा प्यार हो गया है। तुम मुझे सच में पसंद करती हो क्या? हाँ। मैं जो भी कहूँगा वो करो? करूंगी। प्लान तेरा था लेकिन एग्जीक्यूशन किया मैंने। अरे कहाँ अब ये चले।